बहुत बड़ा आपने एलिगेशन लगाया है कि आपके ऊपर और राखी के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, फोन करने की, आपके कौन है दुश्मन मुंबई में? देखिए, दुश्मन तो सभी लोग जानते हैं कि कौन है दुश्मन, लेकिन इसमें मैं खुल के बोलूंगा, पहले मेरे पास इविडेंस सारे चीजें आ जाएं, मैं खुल के बोलूंगा। मैं बोला ही नहीं कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, तो मैं नाम तक भी रखूंगा, लेकिन मेरे पास एविडेंस, जब तक मेरे पास इविडेंस नहीं आता, मैं बिना इविडेंस के कोई बात नहीं करता हूँ। तो इविडेंस पूरा आ जाए और उसके बाद खुल के मैं नाम रख के बोलूंगा। और आपको एक ही नहीं चाहिए, एक ही बात मैं बोलूंगा कि इसके बाद जितने भी लोग, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग जो हमारे साथ थे, हमारे वेल विशर बन के आए थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व। नाम मैं बताऊंगा, सारी चीजें मैं नाम विथ प्रूफ, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ही गुप्त रूप से हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बार वो मीडिया ट्रायल से नहीं, इस बार हम लोग कानूनी रूप से, क्योंकि ये राखी की सुरक्षा का मामला है, राखी को इस हद तक लोग परेशान कर रहे हैं कि उसको जान से मारने की भी सोच रहे हैं, तो ये गलत है। क्या अस्पताल में उनका जानलेवा हमला हुआ? नहीं, ये सारी चीजें मैं अभी इस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं बोला नहीं कि उनको और मुझे दोनों को ये टारगेट किया गया था, एक साजिश रची गई थी जिसका पर्दाफाश हम लोगों ने किया है, और इसमें जो भी लोग हैं, इसके वैलिड इविडेंस हमारे पास है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, हम लोग उसको कानून से सख्त सजा दिलवाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक बात मैं आप लोगों को फाइनली बता रहा हूँ कि देखिए, ये जितने भी राखी को हम लोग, ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, राखी को हम लोग सुरक्षा की मांग किए हैं, और राखी को मैं पर्सनल प्रोटेक्शन एज वेल एज मैं पुलिस प्रोटेक्शन की का दरख्वास्त कर रहा हूँ, और जल्दी ही जल्दी राखी सुरक्षा के बीच में होगी। थैंक यू, थैंक यू।